मध्य प्रदेश के मंत्री जीतू पटवारी गुस्से में कार्यकर्ताओं को धक्का मार देते हैं, पैरों पर पैर मारते हैं। उनका ऐसा ही एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वे अपने ही कार्यकर्ताओं से बदसलूकी कर रहे हैं। इस घटना के बाद ब्राह्मण नेताओं ने जीतू पटवारी की कड़ी आलोचना की है। कमलनाथ सरकार में खेल एवं युवा कल्याण मंत्री जीतू पटवारी का कार्यकर्ताओं पर नाराजगी का वीडियो वायरल हो रहा है। रीवा में जीतू पटवारी एक दिवसीय प्रवास पर पहुंचे थे। इसी दौरान उन्होंने रीवा सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले कमरे में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के जबरन वहां घुस जाने पर वहां धक्का मुक्की होने लगी। इससे नाराज होकर जीतू पटवारी खुद कार्यकर्ताओं को कमरे से बाहर करने लगे। इस दौरान उन्हें जब खुद धक्का लगा तो वे गुस्से में आ गए और उन्होंने एक कार्यकर्ता को लात और पीठ पर धक्का मारकर कमरे से बाहर निकालने की कोशिश की। इस घटना के बाद रीवा कांग्रेस के ब्राह्मण नेता पटवारी के इस कृत से नाराज नजर आए और उन्होंने जीतू पटवारी की आलोचना की है। इस घटना के बाद कई लोगों ने जीतू पटवारी के इस कृत की निंदा भी की है। कल रीवा में जिस प्रकार से उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी जी द्वारा एक ब्राह्मण को लात और घूसों से मार करके रूम से बाहर किया जाता है, यह निश्चित तौर पर निंदनीय है और ब्राह्मण समाज इसकी घोर निंदा करता है। ब्राह्मण को लात मारना यह पाप की श्रेणी में आता है और जीतू पटवारी जी, आप उच्च शिक्षा मंत्री हैं, यह आप कर क्या रहे हैं? आप लोग मदमस्त होकर के हाथी की भांति चलने लगे हैं और आप लोग जिस प्रकार से दम भर रहे हैं, इसकी अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज घोर निंदा करता है। और मुख्यमंत्री जी से भी हम सब मांग करते हैं कि इस प्रकार के ऐसे मंत्रियों को आप तत्काल प्रभाव से निष्कासित करें, अन्यथा ब्राह्मण समाज उग्र आंदोलन करने में विवश हो जाएगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।